आंगनबाड़ी भवन निर्माण में ठेकेदार की मनमानी। मामला सिद्धार्थ नगर विकास खंड मिठवल अंतर्गत ग्राम पंचायत घुमची में नव निर्माण आंगनबाड़ी भवन में पूरी तरह धांधलेबाजी किया जा रहा है। भवन निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, इसका कोई पुरसा हाल नहीं। भवन निर्माण के दौरान चुनाई में सीमेंट की मात्रा कम, बालू अधिक प्रयोग किया गया है, जिसके कारण भवन की दीवार निर्माण के 6 महीने बाद फट गई। छत की बीम दब चुकी है, फर्श नहीं बनाया गया, खिड़कियां नहीं लगी हैं। भवन अधूरा पिछले 8 से 10 महीने से पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत बाल विकास परियोजना अधिकारी मिठवल को अवगत कराया गया, जिस पर इन अधिकारियों द्वारा कोई सार्थक कार्रवाई नज़र नहीं आई। इससे प्रतीत होता है कि इस भवन निर्माण में अधिकारी भी लिप्त हैं, जो देश समाज गांव विभाग के साथ अन्याय कर रहे हैं। इससे कभी भी घटना घट सकती है। क्या नाम है आपका? आलोक रंजन शर्मा। कौन सा गांव है आपका? घुमची। आंगनबाड़ी भवन से आपको क्या समस्या है? आंगनबाड़ी भवन से जो आंगनबाड़ी भवन बनाया गया है जी, उसमें गुणवत्ताहीन जो गुणवत्ता दी गई है जी, उस गुणवत्ता को नज़रअंदाज करते हुए सारी प्रक्रियाएं को ताक पर रख करके काम किया गया है। और जो उसमें ईंटे का प्रयोग किया गया है, ईंटे का भी प्रयोग बहुत गलत तरीके से दिया गया है ईंटा, और वो जर्जर भवन कगार पर पहुँच चुका है। और जो आंगनबाड़ी बच्चे या वहाँ के स्टाफ हैं, वो अगर उसमें जाते हैं, बैठते हैं, तो कभी भी इस तरीके से हादसा हो सकता है। इसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ हो सकता है हादसा, अधिकारी नज़रअंदाज कर रहे हैं, मतलब जाहिर है इनकी मिली भगत है। इसी से भवन घोटाला कर पैसे का बंदर बांट कर खाना पूर्ति करना चाहते हैं। भले ही विभाग या जनता मरे, लेकिन हमारे जेब भरनी चाहिए। शायद इसी नियत से संबंधित अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। अपना मान कर पूर्ण कर लिया, दीवार पर वॉल पेंटिंग कर दी गई, बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं व ग्राम पंचायत को मिलने वाली सुविधाएं जो भी हो दीवार पर लिखा जा चुका है। अब यह महसूस हो रहा है कि भवन निर्माण अधूरा रहेगा। इन भ्रष्ट अधिकारियों के चलते गांव, देश, समाज का विकास संभव नहीं है। सरकार से हम ग्रामीणों की मांग है कि भवन निर्माण पूरा हो और मानक के अनुसार हो, जिससे आने वाले समय में इस भवन से कोई हादसा ना हो सके। संबंधित विभागीय अधिकारी व ठेकेदार पर कार्रवाई हो, जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खबर जगत 24 सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट।